दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी। गुड इवनिंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। अगर आपने इस वाले वीडियो का एपिसोड 1 देखा होगा, जो कि था अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी का एपिसोड 1, और ये एपिसोड 2 है। वैसे तो मेरा प्लान था मैं गुवाहाटी तक जर्नी करूंगा इस ट्रेन से, लेकिन लास्ट मोमेंट में ना मेरा प्लान चेंज हो गया और मैं इस ट्रेन से अब जा रहा हूँ एनजेपी तक। तो जाके एपिसोड 1 आप लोग जरूर देखना, लेकिन ये वीडियो एंड होने के बाद। अभी आधे घंटे पहले हमारी ट्रेन निकली है बदरपुर से। अब जो नेक्स्ट स्टेशन है वो लगभग रात के 1 या 1:30 बजे आएगा हौजोई। अब पता नहीं मैं उस समय तक जगह रहूंगा कि नहीं, अगर जगा रहा तो जरूर दिखाऊंगा। वैसे देख लो लगभग रात का 9 बज रहा है ना, तो अब सोने का तैयारी हो गया अपना। और मैं बता दूं, हमारा जो ये फर्स्ट एसी में बुकिंग था ना, मुझे एच केबिन मिला था, मम्मी को ए केबिन मिला था, दोनों अलग अलग था, लेकिन टीटी साहब से बात करके हम लोगों ने ये कूप ले लिया, तो ये मालदा तक खाली था इसलिए हमें मिल गया। बाकी मस्त देख लो, ऊपर में हमारा बिस्तर लग चुका है, ऊपर मैं सोऊंगा, मम्मी नीचे। वैसे टूर वगैरह तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में ऑलरेडी दे रखा है मैंने। फिलहाल अभी के लिए लाइट्स ऑफ। तो ये मस्त अभी गुड नाइट वाला माहौल बन चुका है, देख लो। फिलहाल ये मैंने गर्म पानी मंगा के रखा है, क्योंकि अभी मैं सोने तो नहीं जाऊंगा, एडिट करूंगा। अपने लिए मस्त कॉफी चाय अगर मन करेगा बना लूंगा मैं। चलो अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, चलो हम जाते हैं ऊपर सोने के लिए। बाय। चलो जी अभी ऊपर तो आ गया हूँ मैं, अब करते हैं सोने का तैयारी। एक्चुअली मम्मी सो जाएगी अभी आराम से, मुझे करना है अभी काम। ये देख लो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया हूँ मैं। फिलहाल अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं एक ही बार सुबह। चलो दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही आना था रास्ता। लफ्जों में कह पाए ना तेरी मेरी वो दास्तां। अब नई सी है उम्मीदें जगी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी हमारी ट्रेन वैसे रुकी हुई है न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन में। वैसे यहाँ पे इसका कोई स्टॉप नहीं है, बारपेटा रोड इसका स्टॉप था, तब मैं सो रहा था। अभी मैं देखा ट्रेन रुकी हुई थी तो मैं बाहर आया, वही देख लो ये न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन है। और बारपेटा रोड के बाद ना इसका कोई स्टॉप नहीं है, एक ही बार न्यू जलपाईगुड़ी ही रुकती है ये। और मैं बता दूं, रात में ना गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये बिफोर टाइम पहुंची थी। तो भाई ये अगर ट्रेन आप ले रहे हो गुवाहाटी के लिए या फिर एनजीपी के लिए, बेस्ट ट्रेन है ये। मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम जगह ये बिफोर टाइम पहुंची है। तो देख लो जी यही है रेलवे स्टेशन। वैसे इसका यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है, लेकिन अभी रोक दिया है अपने ट्रेन को। ऐसा भी हो सकता है या तो बहुत ही बिफोर चल रही है इसलिए रोक दिया गया है। ट्रेन का हालत थोड़ा खस्ता है, लेकिन ट्रेन का टाइमिंग वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, ट्रेन के हालत पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाता ना तो ज्यादा अच्छा रहता। लो जी ट्रेन निकल चुकी है न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे भैया मस्त चाय बना रहे गर्मा गर्म। न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, बाय बाय। चलो जी अपने कूप में आ गया हूँ मैं, और मम्मी तो सुबह ही सोकर उठ गई थी। एक सेकंड, एक बार रात में मम्मी हमको उठा भी रही थी ना, कहाँ पे? गुवाहाटी। बहुत देर रुकी थी ना, एक्चुअली बहुत देर रुकी नहीं थी मम्मी, क्योंकि बिफोर टाइम आ गई थी ना, इसलिए बहुत देर रोक दिया गया था। बहुत देर, आधा घंटा से ऊपर रुका। बिफोर टाइम चल रही थी हर जगह, और अभी भी इतना बिफोर चल रहा है ना कि इसको न्यू बोंगाईगांव में रोका गया, जबकि इसका स्टॉप नहीं है। लेकिन स्टेशन पर कहाँ रुका? नहीं, स्टेशन था, इधर स्टेशन था ना। यहाँ पे देख लो अभी सुबह का 7:20 हो रहा है, और ये आ चुका है अपना सुबह का मॉर्निंग टी। इसमें जैसे देख लो मैरी बिस्कुट मिलता है, लेकिन मैक्सिमम अभी ट्रेनों में क्या होता है ना, वो ओटमील वाला डाइजेस्टिव बिस्किट होता है ना, वो देते हैं। ये डीप वाला चाय इन्होंने दिया है, ये प्रीमिक्स चाय तो हम लोगों ने खरीदा था। हम क्या किए, का दूध निकाल लिए हैं, डालेंगे। मम्मी चाय बनाने में थोड़ा सा फोकस करती है। तो ओवरऑल देख लो यही अपना सुबह का चाय है, चाय के बाद देखते हैं क्या आता है वो भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी चाय पीते हैं। सुबह सुबह जब मैं इनके वॉशरूम गया था, वॉशरूम एकदम क्लीन था, पानी आ रहा था। एक्चुअली बाहर मेरे एक सब्सक्राइबर भी मिले थे, तो वो सेकंड एसी में जर्नी कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि भाई वहाँ का कंडीशन कैसा है। बोला मोहित भाई टिप टॉप है एकदम, वही ये गेट वगैरह थोड़ा टूट चुका है, मतलब ऑटोमेटिकली खुल जाता है ये वो। तो हाँ, मेंटेनेंस जीरो है, सर्विस अच्छा है। यहाँ मम्मी मस्त अपना चाय बनाकर रेडी कर दी है, दिखकर चाय बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मम्मी ना वो डिप वाला चाय नहीं बनाई है, उसमें जो क्रीमर था ना वो डालकर, वो जो प्रीमिक्स चाय हम लोगों ने लिया था वो मिक्स करके बनाई है। ये अच्छा लगता है, लवली भी ऐसी बनाती है ना, इसीलिए।
वैसे ज्यादा बाहर के नजारे तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बस इतना ही बता सकता हूँ कि यहाँ से जो एनजीपी है ना अराउंड और 180 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे देख लो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है लगभग 8:51 में, और मैंने आपको बताया ना अभी बीच में कोई स्टेशन नहीं आने वाला, एक ही बार एनजीपी आएगा। टाइम है अभी, बहुत टाइम है, लगभग 10:30 बजे का तो इसका पहुंचने का टाइम है। लेट्स सी, अगर लेट होता है तो बता नहीं सकते, बिफोर टाइम रहेगा तो अच्छा ही है। ब्रेकफास्ट के लिए इनके पास वही 2-3 ऑप्शन था, वेज में कटलेट एंड उपमा और नॉन वेज में ऑमलेट। इसके अलावा ये ब्रेड तो है ही, और ये क्या ऑमलेट कटलेट नहीं, कटलेट है, कटलेट देखकर बढ़िया लग रहा है यार वैसे। और यहाँ पे देख लो ऑमलेट भी है। एक चीज मिसिंग है ब्रेकफास्ट में जो कि कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स होना चाहिए था। इसके अलावा देख लो यहाँ पे ये कॉफी है ना, हाँ कॉफी का एक पैकेट है, बटर है, जैम है, केचप है, ही है चाय सामग्री, साथ में एक मैंगो जूस भी है। लेकिन देख लो व्हाइट ब्रेड मिला है हमें, ब्राउन ब्रेड ज्यादा अच्छा लगता है। राजधानी में मैंने देखा है मैक्सिमम ब्राउन ब्रेड ही मिलता है, लेकिन अब नहीं होगा इनके पास शायद। आज मम्मी बनाएगी मेरा मोहित स्पेशल सैंडविच, तो चलो आज मम्मी बनाएगी। काफी सिंपल है, सबसे पहले तो एक ब्रेड का टुकड़ा ले लो और उसमें अच्छे से बटर को लगा लो, आप जितना बटर खाते हो उसी हिसाब से लगाना। बटर के बाद क्या जाएगा? चलो मम्मी थोड़ा बहुत तो फॉलो करती है मेरे वीडियो को। ब्लैक पेपर नहीं दिया है क्या इन्होंने? शायद नहीं दिया ब्लैक पेपर, सॉरी गाइस ब्लैक पेपर है ही नहीं। अब ब्लैक पेपर जब नहीं है तो अब क्या करना होगा मम्मी? ये तो जैम है, सॉस इधर है। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैम और केचप एक ही लगता है ना। वाह मम्मी परफेक्ट कट की है देखो, तो भाई इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। आज मम्मी बना रही है मोहित स्पेशल सैंडविच। बस ये कटलेट डाल दे मम्मी। ऑमलेट मम्मी तुमको चाहिए मेरे से उधार में? नहीं चाहिए तो ठीक है, कटलेट से ही खा लो। तो देख लो ये बनकर रेडी हो गया हमारा मोहित स्पेशल सैंडविच। वैसे इसमें वेजेस वगैरह भी आप डाल सकते हो, ये जो बॉइल्ड वेजेस है ना, लेकिन मम्मी उतना खाती नहीं इसलिए नहीं डाली। बढ़िया है कटलेट, कैसा बना है? बढ़िया है कटलेट, अच्छा है। अभी मम्मी मोहित स्पेशल सैंडविच बनाकर तो खा ही रही है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं ये कटलेट देख लेता हूँ कैसा है। कटलेट को लग रहा है ना सुबह सुबह एकदम मस्त फ्रेश बनाया गया है, इनके पेंट्री कार में ही बना है, बहुत बढ़िया लग रहा है, ऊपर से क्रिस्पी भी है और अच्छा भी लग रहा है। इसके अलावा ये उपमा भी है। एक्चुअली जो आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा ना वो इसका आ रहा है, देख लो गेट कितना हिल रहा है। चलो अभी मैं गेट के पास आ गया हूँ, बहुत आवाज कर रहा था। तो यहाँ पे अब मैं ट्राई करता हूँ इनका उपमा। भाई आप 10 में से 20 ले लो उपमा के लिए, चुनो आप बढ़िया बनाए उपमा। मम्मी एक बार इनका उपमा खा के देखो, बढ़िया है ना? राजधानी का तो अच्छा रहता ही है। नहीं मतलब हम इतना ट्रैवल किया है ना, हम बोल सकते हैं अभी तक का खाया हुआ सबसे बेस्ट उपमा है ये। और इसके अलावा तो ऑमलेट है, ऑमलेट का टेस्ट ऑमलेट जैसे ही होगा, साथ में जूस वगैरह है, चाय कॉफी भी है, देखते हैं क्या बनाती है मम्मी। तो फिलहाल अभी एक काम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। वैसे मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी देखा हमारी ट्रेन जो है ना न्यू कूच बिहार जंक्शन में रुकी। ये देख लो जी न्यू कूच बिहार। तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को यहाँ से देखते हो, हाय हेलो, ढेर सारा प्यार। मम्मी ब्रेकफास्ट में तुमको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? मतलब मोहित स्पेशल सैंडविच अच्छा नहीं लगा क्या? वो तो लगा ही। चलो मन रखने के लिए बोल रहे हो ना? नहीं नहीं सबसे अच्छा, जैसे ब्रेड हमको उतना पसंद नहीं है, अच्छा, लेकिन अब बनाए थे शौक से तो खाए हैं। बाकी अभी यहाँ से और 140 किलोमीटर का सफर रह गया है, 10:30 बजे का तो टाइम है पहुँचने का एनजीपी, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा टाइम पे पहुँचेंगे हम लोग। अभी आने वाला है वैसे तिस्ता रिवर, तो वो आपको दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा हम लोगों ने क्रॉस करा तिस्ता रिवर, देखिए तिस्ता रिवर
अब धीरे धीरे ना अपना सामान समेटना स्टार्ट करना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टिकट मैंने कितने में बुक किया है। वैसे तो हमारा जर्नी है अगरतला से एनजेपी तक हो रहा है, लेकिन पहले हमारा जर्नी होने वाला था एनजेपी से गुवाहाटी तक, लेकिन मैंने अपने जर्नी को एक्सटेंड करवाया है। तो अगर आप अगरतला से एनजेपी तक आ रहे हो ना इस ट्रेन के फर्स्ट एसी से, आपको पे करना पड़ेगा पर पर्सन 4,310 रुपए फर्स्ट एसी का। सेकंड एसी के लिए आपको पे करना पड़ेगा 3,470 रुपए और थर्ड एसी के लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,570 रुपए। और ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये इंक्लूडिंग फूड कैटरिंग बता रहा हूँ मैं। अगर मैं टोटल किलोमीटर की बात करूँ तो मैं बता दूँ अगरतला से एनजेपी तक का टोटल जो डिस्टेंस है वो है 978 किलोमीटर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी है और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि अगर आप इस ट्रेन में सफर करते हो ना आपको इसमें टोटल 4 सेकंड एसी, 12 थर्ड एसी और 1 फर्स्ट एसी का कोच मिल जाता है। टिकट इसमें अवेलेबल रहता है टिल एनजेपी तक। एनजेपी तक आपको आराम से इसमें टिकट मिल जाएगा। जैसे ये ट्रेन बिहार यूपी एंटर करेगी तब टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, एनजेपी तक गुवाहाटी तक तो इजिली मिलता है टिकट। अगरतला वाला जो रूट है ना बहुत खूबसूरत है, तो मेरा प्लान है नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो किसी नॉर्मल ट्रेन से आऊँ ताकि नजारा देखते हुए आ सकूँ मैं। देखा करते थे पर हम डरते थे प्यार के नाम से और अंजाम से। ये अभी कोई बेलकोबा रेलवे स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, यहाँ कोई स्टॉप नहीं है हमारा। तो देख लो जी, यही है ट्रेन चढ़ने की खूबसूरती जो कि आपको फ्लाइट से नहीं देखने को मिलता। अभी मस्त हमारी ये जो ट्रेन है ना टी गार्डन के बीच से होते हुए जा रही है। इस साइड भी टी गार्डन है, उस साइड भी आपको टी गार्डन दिख रहा होगा, देख लो दोनों साइड टी गार्डन है भाई, क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार। अभी टाइम हो रहा है 10:55 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन और पहुंचते लेट तो हो गई हमारी ट्रेन। ऑलमोस्ट 40 मिनट डिले थी हमारी ट्रेन। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा सो रहे, काम करते हैं, होटल लेते हैं, होटल लेके बात करते हैं। तो सिलीगुड़ी में आते ही हम लोगों ने अभी होटल ले लिया है और अभी तो वैसे रेस्ट करेंगे, लेकिन हाँ मम्मी को अपना यहाँ पे फेवरेट 1-2 रेस्टोरेंट है वहाँ पे ले जाने का प्लान है जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वैसे मम्मी तुमको कैसा लगा ये तेजस राजधानी का जर्नी? इसका सर्विस भी बहुत अच्छा था और तेजस राजधानी भी हमको अच्छा लगा। और खाना पीना तो भाई मैं बता रहा था ना बहुत बढ़िया था, टेस्टी था, कहने का मतलब है चाहे ब्रेकफास्ट की बात करो, लंच की बात करो। इससे पहले जाके आप डिनर वाला पार्ट मैंने दिखाया है एपिसोड 1 में, ये तो एपिसोड 2 है। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।